ये करके प्रोडक्ट दिया है और ये पिलाने को बोला है 15 ml अ डे, टू दिन में दो बार पिलाना है इसको। 12 दिन का ट्रीटमेंट चला है तो इट्स अ मिथ कि 4-5 दिन की ट्रीटमेंट होती है। हम जे पीछे लेडी ऑली का ध्यान रखिएगा। हाँ, अब इसकी फाइनल डे ऑफ ड्रिप है, इसको मैं लेकर जा रही हूँ हॉस्पिटल। और आज छत पे जाएगी धूप सेकने, जाएगी जाएगी मेरी ऑली पॉली। ये देखो आइस, देखो आइस, देखो कैसे कैसे जा रही है। थैंक यू सर, थैंक यू लेडी ऑली, बी स्ट्रांग, थैंक यू सो मच। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नमेटोलॉजी। और आज है लेडी ऑली का डे नंबर 11 या 12 ऑफ फाइटिंग पावो वायरस। और यहाँ पे लेडी ऑली की थोड़ी सी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। ड्रिप जो कि 3 टाइम दिन में चढ़ रही थी वो रिड्यूस होके अब हो गई है दिन में 2 टाइम। और शायद 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 आज उसका लास्ट डे ऑफ ड्रिप है, तो डॉक्टर ने हमें 12 नून बुलाया है कि इसको एक बारी लास्ट टाइम ड्रिप दे देते हैं और डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज पे लेडी ऑली को मिलेगी बहुत सारी मेडिसिंस, इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि जितने भी वीडियोस मैंने लेडी ऑली को जब पावो हुआ तो मेरे को बहुत वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पर देखे, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था इस वायरस के बारे में और इस डिजीज़ के बारे में, पर मुझे ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली जो आपको स्टार्टिंग टू एंड एक एक्सपीरियंस शेयर करे। फॉरनर्स की वीडियो है बट वैसे इंडियन कंडीशंस हमारी है ही नहीं जैसी फॉरनर्स की होती है, ना यहाँ पे डॉग्स को इतना वैल्यू किया जाता है एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज, तो मुझे ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली जो मैं स्टार्ट टू फिनिश एक पूरा प्रोसेस दिखाया जाए कि डे 1 पे क्या हुआ, डे 10 पे क्या हुआ, डे 11 पे क्या हुआ, ठीक होके क्या हुआ। तो गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप चाहते हो मैं ऐसी डिटेल वीडियो बनाऊं, बिकॉज सिर्फ 3-4 दिन का ये प्रोसेस नहीं होता। कहने को बुकिश लैंग्वेज में 3-4 दिन के लिए डिजीज लास्ट करती है बट रियलिटी में ये 3-4 दिन की डिजीज नहीं है, इट टेक्स हेल लॉट ऑफ मोर टाइम। 11th डे पे लेडी ऑली की थोड़ी सी एक्टिविटी अच्छी है, शी इज सर्चिंग फॉर फूड एक्टिवली, बहुत ज़्यादा फूड सर्च कर रही है। और आज से पहले तो ये खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और फाइनली अभी अपना बेड छोड़ के हमारे रूम में घुस गई है और इसने यहाँ पे शुशु भी कर दिया है। लेकिन मैं थोड़ी सी आपको झलकियाँ दिखाऊंगी कि क्या क्या ये आज कर रही है। भूख जो इसको बहुत ज़्यादा लग रही है, पर डॉक्टर ने हमें बहुत लिमिटेड चीज़ें इसको खिलाने को बोला, ये करके प्रोडक्ट दिया है और ये पिलाने को बोला है 15 ml अ डे। इसके लिए हमने सैरलैक भी स्टार्ट किया था लेकिन डॉक्टर ने इसकी लूज मोशन की कंडीशन जो कि अभी भी चल रही है उसको देखते हुए बोला कि इसको सैरलैक नहीं देना है, पर जनरली सैरलैक ये वाला प्रिस्क्राइब किया जाता है। सैमोलैक आप कोई और भी दे सकते हैं बट हमें ये प्रिस्क्राइब किया गया था तो हमने ये सैमोलैक दिया, बट इसे फिलहाल सूट नहीं हुआ था तो डॉक्टर ने डिसकंटिन्यू करा दिया। इसको बहुत ज़्यादा भूख की अर्ज हो रही है और ये बच्चों के डायपर निकाल निकाल के भी उसको खा रही है, जो भी इसको फर्श पे मिल रहा है, झाड़ू के तिल्ले वगैरह ये सब उठा के खा रही है। इस बियोसिड पेट्स करके आई थिंक ये न्यूट्रिशनल जो भी इसके अंदर की प्रॉब्लम्स उसको ट्रीट करने के लिए दे रही हैं। साथ में लेडी ऑली के ब्लड प्लेटलेट्स भी बहुत ज़्यादा गिर गए थे इसीलिए डॉक्टर ने उसको ये वाला सिरप भी रेकमेंड करा है। इसका नाम है थ्रॉम्बीट और ये प्लेटलेट काउंट्स इंक्रीज करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ आयरन से रिलेटेड है। एंड इसको भी दिन में 2 बार हम लोग पिला रहे हैं 4 ml एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। आप चाहेंगे तो मैं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी पोस्ट कर दूंगी जो मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी उसमें अपना एक्सपीरियंस जिसमें मैं शेयर करने वाली हूँ। साथ में डॉक्टर ने हमें रेकमेंड किया कि हम इसको लिफ्ट 52 दिन में 2 बार पिलाना है इसको। राहुल कितना पिलाना है लिट 52 दिन में 2 बार? 6 ml, 3-3 3-3 ml, टोटल 6 ml, बट आप इकट्ठे नहीं दीजिएगा, आप सुबह शाम 3-3 ml करके दीजिएगा। तो अभी फिलहाल ये मेडिसिन चल रही हैं और ये डाइट चल रही है, डिस्चार्ज होने वाला है शायद आज 90%, और उसमें डॉक्टर साहब 3 दवाइयाँ और ऐड करेंगे जिसके बारे में मैं आपको डिस्चार्ज की वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल लेडी ऑली का यहाँ पे हमने ऐसे बाउल रखा हुआ है जिसमें मैं इसको आधे आधे घंटे के गैप में थोड़ा सा कोको तेल पिलाती हूँ, फिर मैं उसको एडी कैन 1 चम्मच खिलाती हूँ। ये जो आप चद्दर देख रहे हैं ये इसके ऊपर पड़ी थी, लेडी ऑली ने खींच के नीचे कर दिया, इसको खाने की कोशिश कर रही है। कहीं दूर झाड़ू की तिल्लियाँ पड़ी थी ये उसको भी खींच के लाई, बट एक्टिवली मैं इसके पीछे भाग रही हूँ कि ये मुँह में कुछ भी गलत चीज़ ना ले ले। अभी भी मोशन लूज है इसीलिए हम शायद अभी डॉक्टर से पूछ के ही इसकी डाइट को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इंटेस्टाइन्स जो होती हैं पावो वायरस में बहुत वीक हो जाती हैं एंड उसकी वजह से ही खाना धीरे धीरे स्टार्ट किया जाता है, तो ऐसा ना हो इसकी इंटेस्टाइन्स पे ज़्यादा ही लोड डाल दे और इसकी रिकवरी में कोई भी प्रॉब्लम आए। तो गाइज ये था अभी तक का अपडेट और आज डिस्चार्ज की वीडियो भी मैं इसी में ऐड करने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें डॉक्टर हमें बताते हैं व्हाइल डिस्चार्जिंग लेडी ऑली फ्रॉम द ट्रीटमेंट।
12 दिन का ट्रीटमेंट चला है, तो इट्स अ मिथ कि 4-5 दिन की ट्रीटमेंट होती है। हमारे साथ ये एक्सपीरियंस लाइव हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ 12 दिन रिकवरी पीरियड मिनिमम है ऑन पावो वायरस। हाँ, काफी टाइम बाद अब थोड़ा बच्चों पे भी अटेंशन देने का टाइम आ गया है। ये मेरे बच्चे शिवाय और जे, शिवाय को मैं स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, जे पीछे लेडी ऑली का ध्यान रखेगा। हाँ, ये कह रहे हैं हाँ मैं पीछे से लेडी ऑली का ध्यान रखूंगा। शिवाय चलो स्कूल चले। लेडी ऑली का है जेसू, लेडी ऑली का है कहाँ लेडी ऑली, और जे को लेडी ऑली के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। कहाँ है लेडी ऑली, यही लेडी ऑली, लेडी ऑली आप जमीन पे मत बैठो, अपने बेड पे जाके बैठो। ओके मम्मा आ रही अभी, ओके मम्मा आ रही अभी, ओके बेबी मैं शिवाय भैया को स्कूल छोड़ के आ रही हूँ, फिर आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी ड्रिप कराने। ओके एंड डॉक्टर से पूछेंगे क्या आज लेडी ऑली को कुछ खाने को दे सकते हैं कि नहीं। ओके गुड गर्ल माय प्यारा बेटा। सो गाइस अब लेके जा रहे हैं लेडी ऑली को फाइनल डे ऑफ ट्रिप। एंड मुझे आज भी याद है जब मैं लेडी ऑली को फर्स्ट टाइम उठा के लाई थी, यही कपड़े पहने थे मैंने अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा हो तो। और आज लेडी ऑली जो है इतनी पतली हो गई है ना, ये सब इसमें भी जानवर पहुंच जाए, वो भी किस्मत है, बहुत बढ़िया। बस ये जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है ना। सुस्ती है, आई तो बड़ी अच्छी थी, बीमार हो गई। तो मैं वही डिस्कस कर रही थी अभी आप लोगों से कि मैं लेडी ऑली को तब दोनों हाथों से भी नहीं पकड़ सकती थी, ये इतनी अच्छी तगड़ी होती थी। और अब इसको देखो कितनी वीक हो गई है, मैंने एक हाथ से सिर्फ इसको पकड़ा हुआ, एक हाथ से मैंने व्लॉगिंग कैमरा उठाया हुआ है। तो मैं तो वेट कर रही हूँ उस दिन का जब मेरे से ये उठाई ना जाए। तो अब इसकी फाइनल डे ऑफ ट्रिप है, इसको मैं लेकर जा रही हूँ हॉस्पिटल, और शायद आज इसको डिस्चार्ज मिल जाएगा। डिस्चार्ज ऐसे हमने इसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया था, बट डिस्चार्ज ऐसे कि इसके आगे इसको बहुत ड्रिप शायद ना लगे। कौन है मिल रहा, उदास हुई हुई है मेरी बेटी, कितनी उदास हो गई है। देंगे खाना, एक पोटी और की है वैसी, हाँ। टाइट? नहीं टाइट तो नहीं है, लेकिन नहीं मैंने देखी तो मेरी मम्मी कह रही मैंने साफ किया। और आपको ना एक मजेदार चीज दिखाती हूँ, कैसे ना लेडी ऑली ना मेरे अंदर चिम्मड़ के बैठी हुई है, मेरे स्वेटर के अंदर घुस के बैठी हुई है। क्या हो गया, क्या हुआ है, क्या हुआ है, हेलो बोल दे सबको, सबने आपके लिए प्रे किया, हेलो बोल दे। मजा आ रहा है धूप में, मजा आ रहा है धूप में, आज छत पे जाएगी धूप सेकने, जाएगी जाएगी मेरी ऑली बॉली, जाएगी मेरी लेडी ऑली। मुझे पता है मेरे हस्बैंड बहुत डांटेंगे अगर मैंने इसका फिर से नाम बिगाड़ा तो, क्योंकि मैंने अपने बच्चों का तो बिगाड़ रखा है, शिवाय का शिब्बू, जे का जेजू, बब्बे का बब्जू, पता नहीं उल्टे उल्टे नाम। बब्जी का नाम भी ना ऐसे ही पड़ गया, राहुल प्यार से ना बब्बा बुलाते थे पंजाबी में, जैसे बाबा बब्बा बुला, तो मैं बब्जू बब्जी करके उसका नाम बब्जी पड़ गया। नहीं तो हमने उसका वैसे ओरिजिनल नेम हैमर रखा था, फिर उसने ना बंद ही कर दिया हैमर वर्ड से सुनना। तो अब ना राहुल ने मुझे ना चेतावनी दी है कि खबरदार अगर लेडी वाली का ना इतना प्यारा नाम बिगाड़ा तो। इस पे सूट कितना करता है, लेडी ऑली, लेडी ऑली क्या देख रहे हो, मम्मा को, मम्मा को देख रहे हो, मम्मा को देख रहे हो, क्या देख रहे हो। और इसकी नोज अभी भी मॉइस्ट नहीं हुई, जैसे डॉक्टर ने हमें कहा था कि नोज मॉइस्ट होती है आफ्टर द पावो वायरस रिकवरी, पर मुझे तो नहीं दिख रही। और वैसे मैं एक जेन्युइन बात बताऊं, जब मैं इसको लेके आई थी मुझे तब भी इसकी नोज अभी तक वेट बहुत ज्यादा कभी भी नहीं दिखी, जैसे बब्जी की बहुत वेट रहती है। तो आई डाउट कि ऐसा कुछ होता है, बट डॉक्टर कह रहे तो होता होगा। लेडी वाली मुझे कुछ ज्यादा ही फोटोजेनिक दिख रही है, क्योंकि जैसे जैसे मैं कैमरा झाझा हिलाती हूँ उसकी आईज हिलती हैं। अब देखो कैसे इसकी आईज हिलती हैं, देखो 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 देखो, अब मैं वापस ला रही हूँ कैमरा इसके आगे, ये देखो देखो देखो। तूने हीरोइन बनना है, है? अब देखो मैं कैमरा थोड़ी ऊपर लेके जा रही हूँ, देखो इसकी आईज ऊपर जा रही हूँ, अब मैं कैमरा वापस नीचे लेकर आ रही हूँ। ए लेडी वाली, अच्छा अब मैं कैमरे को थोड़ा लेफ्ट लेके जाऊँ, चलो राइट लेफ्ट, चलो लेफ्ट लेके जाते हैं। 1 2 3 ये देखो आईज, देखो आईज, देखो कैसे कैसे जा रही है। तो इसका मतलब लेडी ऑली को भी ब्लॉगर बनने का शौक है, और लेडी ऑली भी ना फुल अपनी मॉडलिंग के पोजेस दे रही है कैमरे के साथ साथ, जैसे कैमरा कैमरा मूव हो रहा है। आए हाय आए मेरा बच्चा। तो पहुंचते हैं वेट क्लिनिक और वहां से अपडेट देती हूँ कि डिस्चार्ज कैसा रहता है लेडी ऑली का।
था डॉक्टर पटेल जिन्होंने हमें एंड तक बहुत सपोर्ट किया पूरा ट्रीटमेंट लेडी ऑली का. आई थिंक फॉर मोर देन 10-11 डेज से हम रेगुलर आ रहे हैं लेडी ऑली को बहुत अच्छे से ट्रीट. थैंक यू सर. थैंक यू लेडी ऑली. बी स्ट्रांग. थैंक यू सो मच.